नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अभी अभी अयोध्या से रायपुर जा रही बस पलटी, बड़ी दुर्घटना। इस बड़ी बस दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं, आखिर ये हादसा कहां पर हुई है और कब हुई है, कितने लोग इस बस में सवार थे और इस बड़ी बस दुर्घटना के पीछे किसकी लापरवाही है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं इस बड़ी दुर्घटना की बात करूं तो ये दुर्घटना अयोध्या से रायपुर जा रही बस के साथ हुआ है। दरअसल होता यूँ है कि आज मंगलवार को सुबह लगभग 6 बजे एक निजी ट्रेवल्स की यात्री बस वैकंठ नगर सड़क पर अयोध्या से रायपुर जाने वाली नटेश ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट जाती है, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बस में बैठे लोगों ने बताया कि सामने से आ रही ट्रक को साइड देते वक्त बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर जाती है और पलट जाती है। घटना के बाद सभी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बताया जा रहा है कि इस बस में 50 से 60 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त दोनों वाहनों की गति काफी तेज रही होगी, जिसके वजह से यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है। और साथ में ये भी देखा गया है कि यात्री बसों में क्षमता से अधिक यात्री भी सवार कर लेते हैं, जिसके वजह से एक दुर्घटना हो जाती है। बस में बैठे एक यात्री ने बताया कि हम लोग रीवा से रायपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच सड़क में ही ये हादसा हो जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। बस में बैठे एक यात्री ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही के वजह से ये हादसा हुआ है। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसे साइड देने के दौरान यह दुर्घटना हुई। बस के परिचालक ने बताया कि सामने वाले ने रोड में बस को दबा दिया, साइड ही नहीं दिया। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की गाड़ी को कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई और गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना के वक्त बस में 70 से 80 लोग बैठे हुए थे, जो अयोध्या से रायपुर की तरफ जा रहे थे। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसकी गलती के कारण बार बार ये दुर्घटना देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि अयोध्या से रायपुर जा रही बस पलटी, जिसमें कई यात्री घायल हो जाते हैं और कई यात्रियों को गंभीर चोट भी आ जाती है। इस घटना के बारे में आपके क्या राय हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।